सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बधाई दी और कहा 2021 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि 2021 उम्मीदों का साल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नर्मदा का पानी खेतों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। उद्योगों के क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ नए उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए अवसर पैदा करेंगे। सभी विभागों में भर्ती निकाली जाएगी। महंगाई को कम करने के लिए कई बड़े कदम इस साल उठाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कदम उठा रही है। आज 2021 का पहला दिन है। 1 जनवरी में आप सबको मिलना हुआ, इसलिए आपको भी बधाइयाँ और पूरे हमारे सभी मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 मध्य प्रदेश में एक नया आयाम लेके आएगा, क्योंकि एरीगेशन के माध्यम से आगामी 3 साल का माँ नर्मदा जी के पानी का पूरा सदुपयोग के जितने टेंडर हो सकते हैं लगभग इसमें हो जाएंगे। सहकारिता विभाग के माध्यम से भी आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा तो आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा, तभी मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का साकार होगा। इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दृष्टि से किसानों के हित में कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनकी आय बढ़े और उनकी किसानी की लागत कम हो, इसके लिए कई योजनाओं का सृजन मध्य प्रदेश के सरकार मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान ने किया है। वास्तव में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी और लागत कैसे कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई, सबसे सस्ती सिंचाई पड़ती है, बिजली की सबसे महंगी पड़ती है, डीजल की सबसे महंगी पड़ती है, उसके बाद बिजली की पड़ती है, नहर के द्वारा सिंचाई दिया हुआ, खाद्यान्न भी उससे ज़्यादा होता है, तो अधिकतम किसानों के गाँव तक पानी पहुँच जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का सपना है, उसको साकार करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।